आठवीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की संस्कृत का आपका जो पेपर वो 4 अप्रैल को होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपका जो हिंदी का पेपर बहुत ही शानदार गया और आपके कमेंट के माध्यम से मेरे को पता चला और आपने जो क्वेश्चन भेजे उनसे पता चला कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके करवाए थे वो आपके पेपर में छपे हैं और कई क्वेश्चन तो मैंने आपको जो वीडियो के दौरान आपको पूछा था कमेंट करने के लिए वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में पूछा था कि आपको एक प्रत्यय वाले जो एक प्रत्यय वाले आपको दो शब्द बनाने और वो क्वेश्चन आपके छपा है। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ बताना था, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बताना था। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको मैंने आपको कई बार प्रश्न है जो अपने वीडियो के दौरान पूछे थे। तो आइए अब आपका जो 2024 का जो 4 अप्रैल को संस्कृत का पेपर होगा उसकी तैयारी हम इस वीडियो में कर लेते हैं ताकि आपका जो संस्कृत का पेपर है उसमें भी बाकी पेपर की जगह है जो बाकी पेपर की तरह जो आपका संस्कृत का पेपर भी अच्छे अंकों से है जो आप उसको सही करेंगे। 80 में से 80 का जो स्कोर का जो अपना टारगेट रखा था उसको मुझे लगता है कि आप सभी जो पूर्ण करने की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट पेपर आपका और आपका ये पेपर होने के बाद में फिर आप 9th क्लास में चले जाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो भी जल्दी आ जाएगा। रिजल्ट की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि शालिनी ग्रीष्मावकाश से पृथ्वी ग्रह आगच्छति, इसमें आपको ये जो आगच्छति शब्द है रेखांकित शब्द इसमें आपको उपसर्ग बताना है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो देखो जो रेखांकित शब्द है आगच्छति इसमें देखो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें आ प्लस गच्छति होगा, आ प्लस गच्छति। तो इसमें जो संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद का होगा आ प्लस गच्छति हो जाएगा तो इसमें उपसर्ग क्या होगा आ उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे ये आ उपसर्ग करेंगे, ठीक है। इसका उत्तर आपके घड़ी वाला ग हो जाएगा आ उपसर्ग। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, देखो मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसके उत्तर आप कमेंट किया करें क्योंकि आपने देखा होगा हिंदी के पेपर में अधिकांश क्वेश्चन जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था वही क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। तो ये एक क्वेश्चन है आपके सुभाषितानी, इस सुभाषितानी में आपको उपसर्ग बताना है कि इसमें उपसर्ग क्या है। अगला प्रश्न आपके अधोलिखित पदेषु कत्वा प्रत्यय प्रयुक्त पदम, इसमें आपको कत्वा प्रत्यय जो इसमें प्रत्यय वाला जो शब्द बताना है कि इसमें किसमें जो कत्वा प्रत्यय, तो कत्वा प्रत्यय की पहचान यही कि जिसके लास्ट में त्वा आता है, जिसके लास्ट में त्वा आता है उसमें कत्वा होता है। तो कत्वा किसमें, त्वा किसमें आ रहा है, गत्वा में आ रहा है, तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे गत्वा कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गत्वा हो जाएगा। अगर आपने 2024 का जो मॉडल पेपर वो देखा होगा तो आप कमेंट करके बता देंगे कि गंतुम में कौन सा प्रत्यय है, कमेंट करके बताना। देखिए इस गंतुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मैंने आपको पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें 2024 वाला जो मॉडल पेपर था उसमें बता रखा है कि आपका जो गंतुम में वो कौन सा प्रत्यय है। तो वो वीडियो अगर आपने ढंग से देखा तो आप ज़रूर बताएंगे कि गंतुम में कौन सा प्रत्यय है। अगला प्रश्न आपका यह है कि भगिनी प्रदेशो एम भवाकर्षक इति प्रतीयते अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम अस्ति, इसमें आपको अवयव पद बताना है, क्या बताना है अवयव पद। देखो आपके इसी सीरियल से आपका पेपर आएगा, पहला क्वेश्चन आपके उपसर्ग का आएगा, दूसरा आपके प्रत्यय का आएगा, तीसरा प्रश्न आपके अवयव का पूछा जाएगा। तो अवयव क्या होता है, अवयव जो लिंग वचन काल पुरुष ये जो बदलते नहीं है उनको हम क्या कहते हैं अवयव कहते हैं। जैसे यदा कदा, यदा कदा तदा सदा, ये जो शब्द हैं सर्वदा और अधुना, ये जो सारे शब्द हैं वो आपके क्या कहलाते हैं अवयव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें जो आपके भगिनी है वो तो अवयव नहीं होगा, प्रदेश भी नहीं होगा, प्रतीतिनि भी होगा, ये जो इति शब्द हैं ये इति शब्द आपके इसमें क्या हो जाएगा आपके अवयव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदा स वने जलम विस्तीर्यम ग्रहम आगतवान अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति, इसमें आपको सर्वनाम पद बताना है। तो सर्वनाम क्या होते हैं, स तवते सातेता तत्तेतानी त्वम युवाम अहम अवम वयम, ये जो आपने पढ़ रखे वो वाले सर्वनाम होते हैं। तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, देखो स आ रहा है ये, तो स क्या हो जाएगा आपके इसमें सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके एकदा है, ठीक है, एकदा का क्या होता है, ये आपके अवयव पद, इसमें क्या है ये अवयव है। आपको पूछ ले कभी एकदा क्या है, एकदा है, सर्वदा है, ठीक है, सर्वदा है, सदा है, तदा है, ठीक है, तथा है, ठीक है, यदा कदा तथा, ये सभी आपके अवयव शब्द में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयम वसुंधरा मन्ये, हम जो पृथ्वी को क्या मानते, हम पृथ्वी को जो कुटुंब मानते, तो उसमें हम क्या करेंगे कुटुंब कर देंगे, हम पृथ्वी को कुटुंब मानते, वसुदेव कुटुंबकम, ऐसा हम वाक्य बोलते हैं। आर्यभट्ट ग्रंथम रचित, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा था, इसका उत्तर हो जाएगा आपके आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम अर्थ इसके द्वारा जो अपने प्रसिद्ध जो गणितज्ञ हुए थे इनके द्वारा आर्यभट्टियम ग्रंथ रचा गया था। और एक क्वेश्चन ये आपको कमेंट करके बताना कि ये जो पंचतंत्र है वो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, पंचतंत्र के लेखक आपको कमेंट करके बताना है। अब ये जो कर्मभूमि वो तो आप जानते हैं, कर्मभूमि ये मुंशी प्रेमचंद जो है इनकी रचना है, ये कर्मभूमि हो गया, गोदान हो गया, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अर्थशास्त्र ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी ये अगला प्रश्न है कि क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि
प्रस्तुत पाठ्यांश लेखक अस्ति, यानी कि ये जो आपके एक पाठ का प्रश्न नाम दे देंगे और उसका लेखक पूछेंगे, तो आपकी किताब के जितने भी पाठ हैं, आपके 14 पाठ हैं इस बार, तो सभी पाठों के जो आपके लेखक हैं, जिन जिन पाठ के लेखक का नाम दे रखा है, उन सभी के लेखक के नाम आपको याद कर लेना है। तो ये इक्षितव राजे थे, भारत भूमि स्वर्गो, इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है, डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी हो देंगे, डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी है। एक आपकी किताब में नाम दे रखा है अनुपम मिश्र का, तो अनुपम मिश्र ये किस पाठ के लेखक है वो आपको कमेंट करके बताना है, अनुपम मिश्र ये किस पाठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपके आठवां क्वेश्चन है कि सावित्रीबाई फुले महोदया माता आसीत, तो सावित्रीबाई फुले की माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई, क्या नाम था इसमें, लक्ष्मीबाई था। अच्छा, सावित्रीबाई फुले के जो पति हैं इनका नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, इनके पति का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नवा प्रश्न है, इनमें आपको विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है, इसमें आपको विभक्ति का प्रयोग करना है, तो इसमें देखो क्या आ रहा है, परिता आ रहा है, तो याद रखना परिता के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, परिता के योग में परिता हो गया, अभिता हो गया, परिता अभित, इसके अलावा आपके सर्वत, ये कुछ शब्द आपको अगर वाक्य में दिखे तो आपको वाक्य में उस शब्द की आपको द्वितीय विभक्ति काम में लेनी, दूसरी विभक्ति काम में आएगी। देखो इसमें परिता आ रहा है, तो परिता में ये विद्यालय की दूसरी विभक्ति क्या है, विद्यालय आपके राम शब्द की तरह चलता है, रामः रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीय, तो रामम ये आपके द्वितीय विभक्ति है, तो विद्यालयम क्या हो जाएगा आपके, विद्यालयम, तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, विद्यालयम करेंगे। इसी प्रकार से आपको इसमें ख में बनना है सह पुत्र गत, तो इसमें आपके सह के योग में हमेशा याद रखना सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, कौन सी विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति, जैसे राम शब्द की तृतीय विभक्ति रामेण रामाभ्याम रामे तृतीया, तो जनक जनकेन, ठीक है, तो जनकेन आ जाएगा इसका उत्तर, क्या होगा, जनकेन, जबकि ये जो जनका है वो चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है, जनकाय रामाय चतुर्थी विभक्ति होती है, वैसे जनकेन तृतीय है और ये जनकाय चतुर्थी है, तो सह के योग में तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, परीक्षा में सेम टू सेम आपके प्रश्न छपेंगे ये, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति तो जनकेन हो जाएगा, और आपके जो नमः के योग में याद रखना नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपको गणेश नाम देते हैं गणेश, तो गणेश का जो चतुर्थी विभक्ति क्या होगा, गणेशाय होगा, जैसे जनक का जनकाय होता है, राम का रामाय होता है, वैसे ही गणेश का क्या होता है, गणेशाय होता है, तो गणेशाय नमः, तो आपके नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आपको गुरु शब्द दे दे, तो गुरु शब्द जो उकारांत शब्द है, तो ये देखो गणेश तो अकारांत शब्द है और गुरु ये उकारांत शब्द है, तो उकारांत में आपकी चतुर्थी विभक्ति क्या होती है, गुरु की गुरुवे होता है, तो गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुवे नमः होता है, तो गुरुवे नमः हो जाएगा इसमें, नमः के योग में ये चतुर्थी विभक्ति में गुरुवे आता है। अगला जो प्रश्न है फिर आपके ये कि अद्य प्लस अपि, ये आपको क्या करना है, संधि विच्छेद और संधि करनी, एक संधि करनी और एक संधि विच्छेद करनी है, तो आपके दे रखा अद्य प्लस अपि, तो अद्य प्लस अपि का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके अद्य प्लस अपि का अद्यापि हो जाएगा, देखो अ अ मिलकर क्या बन जाता है, आ मिल जाता है, अ अ मिलकर क्या बन जाता है, आ बनता है, अ प्लस अ बराबर ये आ बनता है, इसको हम दीर्घ संधि कहते हैं, ये किस संधि का उदाहरण है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो अद्य प्लस अपि ये अपि अद्यापि हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये, अध्यापी हो जाएगा, अध्य प्लस अपी का अध्यापी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको एक शब्द देता हूँ, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो आ आ मिलकर आ बन जाएगा, तो ये विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके सहसेव, तो सहसेव का क्या हो जाएगा, देखो इसमें दो मात्रा दिखाई दे रही है, तो दो मात्रा जब भी होती है वो आपके जो वृद्धि संधि का उदाहरण होता है, कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि, जैसे आपके सहसेव का क्या हो जाएगा, सहसा प्लस एव, क्या हो जाएगा ये, सहसा प्लस एव हो जाएगा ये, सहसा प्लस एव। इसी प्रकार से आपको बताना है तथेव का, ठीक है, तथेव का आपको संधि विच्छेद करके बताना है, एक आपको सदैव का संधि विच्छेद करके बताना है, तथेव का सदैव का इनका आपको संधि विच्छेद करके कमेंट करके बताना है, एक आपको प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद करना है, ठीक है, प्रत्यक्षम नाम में लिख रहा हूँ आपके प्रत्यक्षम, तो एक प्रत्यक्षम का आपको संधि विच्छेद करना है, एक आपको बताना है प्रत्यक्षम के अलावा, एक आपको संधि विच्छेद करके बताना है, एक शब्द है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बार बार पूछा जाता है उस शब्द को, और उसको अच्छे से आपको याद कर लेना है, एक है अत्र प्लस एव, अत्र प्लस एव, ये इसका भी आपको संधि करके बताना है। अगला जो क्वेश्चन आएगा इसमें आपको विशेषण और विशेषण से आपको मिलान करना है, तो देखो विशेषण और विशेष्य आपको याद होना चाहिए, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे एक किताब लिखता हूँ मोटी किताब, मोटी किताब, तो इसमें जो मोटी शब्द हैं वो किताब की विशेषता है कि उस किताब वो किताब कैसी मोटी है, तो इसमें मोटी शब्द जो है इसकी विशेषता, ये तो हो जाएगा आपके विशेषण, और किताब की विशेषता बता रही है तो ये किताब हो जाएगा आपके विशेष्य, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं, तो इसमें आपको विशेषण और विशेष्य को मिलान करना है, इसमें आपके अयम मिलान करना है, तो अयम के साथ जो मिलेगा वो हो जाएगा आपके प्रदेश, अयम प्रदेश,
अयम प्रदेश। इसके अलावा प्राचीन, तो प्राचीन के साथ में हो जाएगा आपके इतिहास से, प्राचीन इतिहास से, देखो ने और से ऐसे प्राचीन इतिहास से। एक तो एक आपके हो जाएगा समवाय, एक का क्या हो जाएगा समवाय हो जाएगा। और महत्वदायिनी तो ये आपकी हो जाएगी संस्कृति, महत्वदायिनी संस्कृति। फिर आपके अगला प्रश्न आएगा 12वां क्वेश्चन, जिसमें आपको उचित क्रियापद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। छात्रा पुस्तकानी गृहीत्वा विद्यालयम, छात्रा जो पुस्तक ग्रहण करके कहाँ जाती है विद्यालयम, रचयति गच्छन्ति अवसत वर्तते, तो इसमें आपकी क्या है छात्रा तो गच्छन्ति आ जाएगी। गृहीत्वा गृहीत्वा, इसमें देखो गृहीत्वा में भी कत्वा पढ़ते हैं, गृहीत्वा में भी आपके कत्वा पढ़ते हैं, तो इसमें क्या आएगा आपके गच्छन्ति आ जाएगा। ये गच्छन्ति, गच्छन्ति का मतलब गच्छति, अच्छा छात्रा है ना, तो इसमें बहुवचन है तो गच्छन्ति आएगा, ये गच्छन्ति छात्रा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति, छात्रा है जो पुस्तकालय पुस्तक है जो ग्रहण करके लेकर के कहाँ जा रही है विद्यालय की ओर जा रही है, तो इसमें आपकी गच्छन्ति भर देना है, गच्छन्ति भर देंगे इसमें। दूसरा है मालाकार पुष्प माला, जो मालाकार है माला बनाने वाला है वो पुष्प से माला को क्या करता है बनाता है, तो बनाने को क्या करता है रचना करना, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा रचयति, ये भरेंगे हम रचयति, ठीक है रचयति आपके दूसरे में भर देंगे। मम मनसी एका जिज्ञासा, मेरे मन में एक जिज्ञासा तो उत्पन्न हो रही है, तो इसको हम कहते हैं वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। अब आपके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि आप जो ये पेपर करवा रहे हैं ये आपके परीक्षा में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो आप जानते हैं कि आप मैं जो यहाँ पे पेपर जो अपलोड करता हूँ वीडियो वो आपके परीक्षा में क्वेश्चन आपके बनते हैं या फिर नहीं बनते। अच्छा जिनको लगता है कि यहाँ पे जो पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं इनसे आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो उनको मैं फिर कहता हूँ कि आप जो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें और मेरा एक भी वीडियो ना देखें। जिनको लगता है कि यहाँ जो पेपर सॉल्व करवाते हैं उनसे आपके पेपर आपके अच्छे हो रहे हैं और आपको फ़ायदा मिल रहा है, कृपया वही पेपर देखें और वीडियो को शेयर भी करें। सहसा बालिका तत्र, सहसा बालिका तत्र, तो इसमें आपको बनना है लास्ट बचा हुआ क्या है अहसत, अचानक एक जो बालिका है वह हंसी, तो अहसत हो जाएगा अहसत, अहसत। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको विशेषण और विशेष छांट के लिखना है, अलग अलग करके बताना है कि मालाया मनोदशा स्वस्थ न प्रतीत है, जो मालाया है माला उसकी मनोदशा जो है स्वस्थ अच्छी नहीं है, तब उसकी मनोदशा की विशेषता है वो स्वस्थ नहीं है, तो इसमें आपकी क्या हो जाएगा विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण तो हो जाएगा आपके स्वस्थ, कि ये तो इसकी विशेषता बता रही कि उसकी मनोदशा स्वस्थ है या नहीं है, तो विशेषण हो जाएगा आपके स्वस्थ, उसमें बनेंगे हम स्वस्थ स्वस्थता। और विशेष क्या हो जाएगा किसकी विशेषता बता रही है कि वो आपके मनोदशा की विशेषता बता रही है, तो उसमें हम भरेंगे मनोदशा मनोदशा। फिर आपके अगला प्रश्न है 14वां, रेखांकित पद में जो प्रश्न निर्माण करना है, भोजन पत्रोपरि लेखनम आरब्ध, इसमें आपके लेखनम शब्द का जो रेखांकित कर रखा है तो इसके आधार पर आपको जो प्रश्न निर्माण करना है, तो लेखनम को हटाकर आपको किम करना है, क्या करना है यहाँ पे किम करना है, तो लेखनम किम, तो भोजनम पत्रोपरि किम आरब्ध, ये आपके पूरा वाक्य वापस लिख लेना है। अगला है आपके मानवा वृक्षनाम छायानाम विरमंती, तो इसमें वृक्षनाम को हटा करके इसको फिर इसके स्थान पे प्रश्न बनाना है, तो इसमें आपके हो जाएगा वृक्षनाम की जगह पे केशाम आ जाएगा, क्या आएगा इसमें आपके केशाम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 15वां, जिसमें आपको कोष्टक में जो दे रखे शब्द इनकी संज्ञा शब्द लिखनी है, इनकी संज्ञा बतानी है, तो देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, पूर्व दिशा उदति, अब आपको पता होगा कि पूर्व दिशा में उदय कौन होता है, सूर्य उदय होता है कि चंद्र उदय होता है कि नक्षत्र उदय होता है, आपको पता है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, तो इसका उत्तर हम करेंगे सूर्य। अच्छा आपके भी आज जो एक विलोम शब्द पूछा था कि उदय का विलोम क्या होता है, तो आप कमेंट करके बताना कि आपने उदय का विलोम क्या लिखा है। महिला तड़ागा, तो महिला तड़ागा नहीं थी, यानी कि महिला जो है तालाब कहते हैं तालाब को, तो महिला तालाब से क्या लाती है, जल लाती है दूध लाती है घी लाती है, तो आपको पता होगा, तो इसका हम उत्तर करेंगे जल लाती है, महिला जो तालाब से क्या लाती है जल लाती है। अधुना आपने वस्तु क्रियाम आवश्यकता नास्ती, तो आजकल जो अपने आपने कहते हैं बाजार को, आपने का मतलब क्या होता है बाजार को, अधुना ये आप अवयव शब्द याद रखना, अधुना भी एक अवयव शब्द है, तो आजकल जो बाजार से वस्तु खरीदने के लिए वस्तु क्रियार्थम यानी कि वस्तु को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता आवश्यकता नास्ते किसकी आवश्यकता नहीं है, तो आजकल जो बाजार को बाजार में जो वस्तुएँ खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नास्ती है, ठीक है किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको पता होगा कि आजकल जो वस्तुएं खरीदने के लिए रुपये की आवश्यकता होती है, तो रुपये का नाम इसमें आंसर कर देंगे। सामाजिक कुरीति नाम मुखरम विरोध अक्रोध, जो सामाजिक कुरीतियाँ है इसका जो मुखर विरोध है वो किसने किया था, मीरा ने किया था, सावित्री ने किया था, फिर राधा ने किया था, तो आप सावित्री बाई फुले वाला जो पाठ है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, जिसका उत्तर क्या करेंगे सावित्री करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके 16वां है,
अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य उत्तर लिखित है। इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। कस्मिन उद्योगे वृक्ष उपयोजते, किस उद्योग में जो वृक्षों का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता होगा और ये आपने विज्ञान में भी पढ़ा है कि जो कागज उद्योग होता है इसमें जो वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। और मैंने आपको ये पूछा भी था क्वेश्चन कि एक टन कागज़ बनाने के लिए कितने बड़े वृक्षों को काटना पड़ता है, तो उसका उत्तर क्या होता है, 17 वृक्षों को काटना पड़ता है। 17 बड़े विकसित वृक्षों को काटने के बाद में उनसे एक टन कागज़ बनता है। तो इसका उत्तर आपकी क्या हो जाएगा, कश्मीर उद्योग है, किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है, तो उसमें हम उपयोग करेंगे कागज़ उद्योग को। और कागज़ उद्योग में जो शब्द है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो कागज़ उद्योग को संस्कृत में कहते हैं करगदा उद्योग। क्या कहते हैं, करगदा उद्योग। देखो करगदो उद्योग ये आप लिख सकते हैं, करगदो उद्योग ठीक है, करगदो उद्योग लिखेंगे आप। करगदो उद्योग एक साथ कैसे लिखा, तो देखो इसमें आपके ये जो उदाहरण, ये गुण संधि का उदाहरण है, कौन सी संधि, इसमें गुण संधि है, इसका भी आपको संधि विच्छेद पूछा जा सकता है। इसका संधि विच्छेद आप क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे करगदा, देखो शब्द है आपके करगदो उद्योग, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपके करगदा प्लस उद्योग हो जाएगा, करगदा प्लस उद्योग हो जाएगा ठीक है। ये आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है, इसको हम गुण संधि कहते हैं। जैसे महोत्सव जो बनता है ना, महोत्सव, इसमें क्या होता है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उत्सव बनता है, महा प्लस उत्सव। तो इसी प्रकार से ये करगदो उद्योग हो जाएगा। ऐसे मैं आपको पूछता हूँ एक, जैसे आपको कमेंट करके बताना है, जैसे आपको मान लो रमेश की संधि विच्छेद पूछे कि रमेश की संधि विच्छेद क्या होगी, तो ये आपके गुण संधि का ही उदाहरण है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि रमेश की संधि विच्छेद क्या होगी। इसके अलावा नरेश की भी संधि विच्छेद आपको कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंचल व्याघ्र कुत्र दृष्टवान, जो चंचल व्याघ्र था उसने कहाँ पे देखा, तो उसने कहाँ पे देखा, चंचल व्याघ्र ने, उसने जो चंचल व्याघ्र उसने जाले जो जालबद्ध थी उसमें आप उसने देखा था, तो उसका उत्तर क्या करेंगे, जालबद्ध देखेंगे। ये करगदा उद्योग तो लिखना ही है वापस आपको, इसकी जगह पे दूसरा आपके आ जाएगा, ये चंचल व्याघ्र कुत्र दृष्टवान, तो उसने कहाँ देखा, तो उसने चंचल व्याघ्रम जालेबद्ध दृष्टवान, तो उसमें आपको क्या देखना है, जालेबद्ध, इसमें क्या लिखेंगे उत्तर, जालेबद्ध लिखेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास है, देखो प्राचीन इतिहास है, अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्राचीन प्लस इतिहास हो जाएगा ठीक है, प्राचीन प्लस इतिहास, ये भी गुण संधि है, इसमें अ है और इसमें ई है, तो इसका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देखो ये ए की मात्रा न के ऊपर लगा रखी है, तो प्राचीन प्लस इतिहास है ये। प्राचीन इतिहास का स्वाधीना आसन, प्राचीन समय में जो क्या कौन है जो स्वाधीन था ठीक है, तो इसका उत्तर क्या कर देंगे, इसमें स्वाधीन में क्या क्या था ये प्राचीन इतिहास में, तो इसमें आपको सप्त भगिनी लिखना है। प्राचीन इतिहास है सप्त भगिन्य। अब सप्त भगिन्य कौन कौन है, वो जो सात आपकी जो सेवन सिस्टर हैं, सात बहिने जो राज्य हैं आपके, वो उनके नाम आपको इसमें बताना है। अच्छा इन सेवन जो सिस्टर्स हैं, सप्त भगिन्य हैं, इसमें किस चीज़ की बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ की बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट है आपकी उद्योग, अगला प्रश्न की अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदम लिखत, इसमें आपको एक पद में उत्तर देना है। स्वकीय साधनम किम भवति, इसमें स्वकीय साधनम किम भवति, उसका उत्तर लिखेंगे बलम ठीक है, आपको इसका उत्तर क्या लिखना है, स्वकीय साधनम बलम भवति, तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे बलम, स्वकीय साधनम बलम भवति। इयम भू कस्मिन युतनाम, उसका उत्तर हो जाएगा आपके प्रबंधे, इयम भू प्रबंधे युतनाम अस्ति, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, प्रबंधे करेंगे। नेक्स्ट है आपके कश्य यश्य नश्यति, तो कश्य यश्य नश्यति, तो इसमें आप करेंगे लुब्धस्य यश्य नश्यति, तो इसको क्या करेंगे, लुब्धस्य यश्य नश्यति। इसमें आपको एक एक पद ही लिखना है, जो जिसका मेन उत्तर वही लिखना है आपको। नेक्स्ट है पथी के विषमा प्रखरा, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाषाणा, क्या करेंगे इसमें, पाषाणा हो जाएगा, इसका आंसर कर देंगे पाषाण। नेक्स्ट आपके इसमें आपके दो श्लोक लिखने जो इस पाठ्यपुस्तक में नहीं आए हैं, तो एक तो आपको वो अभिवादन शिलेश वाला याद कर लेना है, एक आपको गुणा गुणेश वाला जो पहला पाठ है उसमें से आपको दो श्लोक अच्छे से याद कर लेना है ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोनों श्लोक, इसमें भी आपको और बताया, तो आपके दो श्लोक आएंगे, इसमें दो दो नंबर के चार नंबर हो जाएंगे, तो आपको ये वाला श्लोक अच्छे से याद कर लेना है ठीक है। तो एक तो ये याद करना है, अभिवादन शिलेश्य नित्यम वृद्धोपसेवीन चत्वारी तत्स्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, यानी कि जो अभिवादनशील होते हैं और जो वृद्धों की सेवा करते हैं उनमें हमेशा चार चीज़ें बढ़ती हैं, क्या क्या बढ़ती हैं, उनकी एक तो आयु बढ़ती है, उनकी विद्या बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, उनका बल बढ़ता है। तो जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, जो व्यक्ति दूसरों को अभिवादन करता है और जो वृद्धों की सेवा करता है, वो हमेशा उनकी जो चार चीज़ें बढ़ती है, क्या क्या बढ़ती हैं,
एक तो आयु, एक विद्या, एक उनका यश, एक उनका बल, तो इसका अर्थ हो जाएगा। फिर आपके गुणा गुणेश गुणा गुणगेशु गुणा भवंती ते निर्गुण प्राप्य भवंती, जैसा शुद्वासेषु प्रभवंती नद्य समुद्र माध्य भवंत्य पेय। इसके अलावा एक और आपके ये संगीत साहित्य संगीत, ये वाला आपको अच्छे से याद कर लेना है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष्पहीन पाषाणहीन तरणम न खादंती जीवनमान तद तद भाग देय परम पशु नाम। यानी कि कुछ जो जिनका जो साहित्यहीन है, जो साहित्य संगीत और कला के विहीन व्यक्ति होते हैं, वो साक्षात पशु के समान होते हैं और पुच्छ विषाणहीन होते हैं, यानी कि वो पुच्छ के बिना जो केवल पशु के समान दिखते हैं, न वो खाद नहीं खाते, यानी कि वो घास नहीं खाते, बाकी वो उनका जो गुण है वो सारे के सारे पशुओं के समान ही होते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न आएगा ये, इसमें 19वें प्रश्न में आपको इनको स्तंभ को श्लोक से मिलान करनी है। तो इसमें आपको जैसे क स्तंभ है और ये ख स्तंभ है, इसमें आपको जैसे ये दे रखा है गिरी शिखरे नन्नू, तो गिरी शिखरे नन्नू में क्या करना है, निज निकेतनम करना है, तो इसका निज निकेतनम के साथ में मिलान कर लेंगे। गिरी शिखरे नन्नू निज निकेतनम, विनयन यानम, तो विनयन यानम का हम क्या करेंगे, नगारोहणम, इसका हो जाएगा आपके नगारोहणम। स्व बलम स्वकीय, तो निज बलम स्वकीय निदेही चरणम, एक मिनट, बलम स्वकीय भवती साधनम, तो बलम स्वकीय भवती साधनम हो जाएगा। सदैव पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। फिर आपको एक चित्र दे रखा है, इस चित्र को देख करके चार वाक्य बनाने, या तो आपको इसको चार वाक्य बना लेने, या फिर आपकी किताब से एक जो इसमें पूछेंगे जो कहानी है उसमें, इसमें वैसे इस चित्र को ही भर देना, आपको इसमें भी आ जाएंगे। ये चित्र किसका दे रखा है, ये चित्र देखो, यहाँ पे एक मिसाइल पड़ी है, देखो मिसाइल है, इसके अलावा फिर इसमें आपके ये अस्त्र शस्त्र पड़े हैं, ये आपकी मिसाइलें छोड़ी जा रही है, तो इसमें आपकी किसका चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये जो चित्र है वो आपके अस्मिन चित्र दृश्य, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप सभी शस्त्र देख रहे हैं, अस्त्र देख रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे, इसमें आपके अस्त्राणी बदलेंगे पहले, अस्मिन चित्र अस्त्राणी अस्त्राणी दृश्यंते, सेकंड आपके आधुनिक अस्त्र सैनिक आसमान रक्षंती, तो किससे रक्षा करते हैं वो, शत्रुओं से रक्षा करते हैं, तो दो नंबर पे शत्रु बदलना है। तीन नंबर पे है आपके रिक्त स्थान सहायता या बहुनी कार्याणि भवन्ति, कौन है जो सहायता करता है बहुत से कार्य करने में, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके उपग्रह नाम, उपग्रह होते हैं वो बहुत सी सहायता करते हैं अपनी अपनी जो रक्षा होती है उसमें बहुत सी जो अपनी सहायता करते हैं। फिर आपके ये अच्छा उपग्रह से याद आया, आपको पृथ्वी का उपग्रह क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है, पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपके ऐतिसाम प्रयोगेण भारत विकसित देश मनित, तो आपके चौथा क्या है, अस्त्रानाम, क्या हो जाएगा आपके अस्त्रानाम, ऐतिसा अस्त्रानाम प्रयोगेण भारत विकसित देश मनित, इन अस्त्रों के प्रयोग से जो भारत विकसित देश है गिना जाता है। इसके अथवा में आपको एक कथा दे रखी होगी, उस कथा को आपको भरना है, और इसमें ये 8 शब्द बने और 4 नंबर आपको मिलेंगे। देखो एकस्मिन वने, एकस्मिन वने व्याघ्र जालम विस्तीर्यत, एक बार एक वन में जो कश्चन, इसमें क्या भरेंगे, एकस्मिन वने, एक बार जो किसी वन में शिकारी ने जाल जो बिछाया था, तो उसमें आपको कश्चन भरना है, ये एक नंबर में आपके कश्चन भर देना है। फिर दो नंबर में आपकी दूरम अस्थि विस्तरीय दूरम अस्थि, तो दो नंबर पर आएगा आपके दूरम अस्थि। फिर तीसरा है क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोतराज, फिर धीरे धीरे जो वहाँ से क्रमशः आकाश सात आकाश से जो सपरिवार कपोतराज जो कबूतर है वो आए, तो कश्चन व्याघ्र इसमें नीचे आगछत, वो जो कपोतराज है वो नीचे आए, तो नीचे आगछत। चौथे में क्या बनना आपके रिक्त स्थान है कपोता तंडुलान अपचित, जब तंडुलान किसको कहते हैं, तंडुलान कहते हैं चावल को, तो तंडुलान अपचित जब उन्होंने चावल को देखा, तो यहाँ हो जाएगा इसमें यथा, यथा भी एक आपके अवयव शब्द याद रखना, यथा एक अवयव शब्द है, अपशब्द में काम आएगा ये यथा वाला, यथा तथा यदि निश्चय उच्चय दूरम पासम ये सभी आपके निकटम ये सभी आपके अवयव शब्द हैं। तो जैसे ही उन्होंने जो चावल देखे यथा तदा, यथा के बाद में क्या आएगा आपके तदा, तो ये इसके बाद में आएगा आपके तदा, तब ये तदा भी आपके अवयव शब्द है, तदा तेसाम लोभ हो जाए, तब उनमें जो लोभ उत्पन्न हो गया, परम राजा सहमत नासी, लेकिन उनका जो राजा था उनसे सहमत नहीं था, तस्य युक्ति आसी, तब उन्होंने क्या है एक युक्ति सोची, क्या युक्ति सोची, यदि वने कोपि मनुष्य नास्ती, तो इसमें आपको बना यदि वने कोपि मनुष्य नास्ती, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुत तंडुलान तंडुला नाम संभव, तब वहाँ पे जो जो चावल है वो कैसे संभव है, परम राज्य उपदेशम अस्वीकृत कपोता तंडुलान खादितुम, जो उनका राजा था उनका उपदेश जो था उनका जो राजा का जो आदेश था उनको अस्वीकार करके जो सभी कबूतर जो वो चावल खाने चले गए,
तो जो इसमें क्या लिखेंगे परम, तो इसमें आ जाएगा आपके परम राज्य। परम राज्य उपदेशम स्वीकृत्य अस्वीकृत्य, उनका जो राज्य था उनका उपदेश अस्वीकार करके जो कबूतर थे वो चावल खाने के लिए चले गए। ये खादितुम, देखो खादितुम में आपको कमेंट करके बताना कि इसमें कौन सा पढ़ते हैं, खादितुम में कौन सा पढ़ते हैं कमेंट करके बताना, ये आपके परीक्षा में छपेगा। ये नेक्स्ट है प्रवर्ता जाले, फिर आपको उसके बाद में लिखना है च निपतिता, वो सभी जो जाल में प्रवेश कर गए और वहाँ पर वो गिर गए, तो च निपतिता हो जाएगा च। तो ये च भी आपके इस प्रकार से एक अवयव में भी गिना जाता है, च है, एव है, बी अपी है, ठीक है, अपी भी आपके एक अवयव शब्द आता है। अतः उक्तम सहसा विदित न क्रियाम, तो ये तो आपको भरा हुआ है, इसमें कोई नहीं भरना है। तो इस प्रकार से आपको चार नंबर के लिए आठ शब्द इसमें भर लेने। फिर आपके अधोलिखित वाक्य नाम घटना अनुसार क्रमण, आपकी किताब की जो कोई पाठ है इसका आपको घटना के अनुसार इसको वर्णन करना है। जैसे माला शालिनी चिकित्सा प्रति आगछन गछंतु वार्ता कुरुत, जो माला शालिनी है वो चिकित्सा के प्रति जाती है और उससे वार्ता करती है, और ये पूरा जो आपकी शालिनी वाला पाठ है, ठीक है, उसमें जो पाठ देखा उसका आपको क्रम से आपके बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, शालिनी ग्रीष्मावकाश से पितृग्रहम आगछति, तो सबसे पहले आएगा आपके ये ग वाला, ये एक नंबर पर आपको ये भरना है, इनको क्रम से आपको नीचे लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे ये जो क ख ग से लगा के एक एक क्रम से इनको जमा देना है। फिर दो नंबर पे क्या आएगा, बातरजाय स्वास्थ्य समाधि नास्ति, जो बातरजाय किसको कहते हैं, बाबी को कहते हैं, तो दो नंबर पे आएगा कि जो बाबी थी उसका जो स्वास्थ्य वो अच्छा नहीं था। फिर तीन नंबर पे क्या आएगा, मालिनी माला शालिनी चिकित्सका प्रति अगत्यंतु वार्ताकुरुत, जो माला है वो शालिनी और माला दोनों जो चिकित्सक के प्रति जाते हैं और उनसे वार्ता करते हैं, तीन नंबर पर आपको ये भर देना है। चौथे नंबर पर तदेव क्रीडंती तीन वर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपवस्थी, तभी जो उनकी जो तीन वर्षीय पुत्री का है, पुत्री है जिसका नाम क्या था, अंबिका, ये अंबिका नाम आपको याद रखना है, इनकी तीन वर्षीय, कितने वर्ष की पुत्री थी, तीन वर्ष की पुत्री थी, और ये अंबिका, इनका नाम याद रखना, मैं आपको अगले वीडियो में पूछूंगा इसका उत्तर, प्रश्न पूछूंगा और इसका उत्तर आपको फिर आपके अंबिका और ये नाम देना है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था कि जो राकेश है, राकेश से उनकी भार्या का नाम क्या था, भार्या कहते पत्नी को, तो आप सभी ने बताया कि जो राकेश से भार्या, राकेश की जो भार्या उसका नाम था माला, बिल्कुल सही, जिन्होंने माला उत्तर दिया था। एक मैंने भगिनी के बारे में पूछा था कि राकेश की भगिनी कौन थी, भगिनी कहते बहिन को, तो बहिन कौन थी इसकी, शालिनी उत्तर हो जाएगा इसका, जिन्होंने भी शालिनी उत्तर दिया इनको बिल्कुल सही आंसर है। यही क्वेश्चन पूछेंगे, राकेश की भार्या का नाम क्या था, शालिनी भगिनी का नाम क्या था, उनकी पुत्री का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। फिर इसके बाद में ये जो तीन नंबर हो गए, चार नंबर पर आपके लिखेंगे कि तदेव क्रीडन्ति, ये तीन, ये चार नंबर पे आपके हो जाएगा। इसके बाद में पांच नंबर पे आएगा अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, फिर वो कहते हैं कि उनको एक पुत्र की आवश्यकता है, ये कौन कह रहा है, अधुना एकस्य, ये जो अधुना है वो भी आपके अवयव है, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, ये आपके पाँच नंबर पर बनना है। फिर छः नंबर पर आपको बनना है तब मनसी एतादृश कुत्सित वृत्ति आगत, तब उसके मन में जो वो खराब है जो विचार वो मन में आए, पुत्र और पुत्री के जो अंतर है उसके बीच में आपको अंतर बताया। अहम स्वपराधम स्वीकारोमि लज्जितस्मि, फिर वो जो कहता है कि अहम यानी कि मैं अपने जिस अपराध इसको स्वीकार करता हूँ और लज्जा महसूस करता हूँ, तो ये आपके सात नंबर पे आ जाएगा। और लास्ट जो बचा हुआ उसको हम आठ नंबर पे लिखेंगे, सर्वे मिलित्वा चिंतन मिदम यथातुपम करिष्यामि, इसको आठ नंबर पे भर देना है। फिर इसके बाद में आपके दो श्लोक दे रखे, इन दो श्लोकों का जो आपको क्या करना है, तीन श्लोक दे रखे वैसे तो, और तीन श्लोकों में से कि नहीं दो का उत्तर आपको यहाँ पे क्या करना है, भावार्थ लिख के बताना है, दो इंटू चार आठ नंबर का आएगा ये। जैसे वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, ठीक है, वृक्षवासी है, ठीक है, वह पेड़ के ऊपर रहने वाला है लेकिन वो पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, उसके वो तीन नेत्रों को धारण करने वाला है लेकिन वो भगवान शिव नहीं है। त्वगवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, वो है जो छाल के वस्त्र धारण करता है लेकिन वो कौन नहीं है, वो धारण करता है लेकिन वो बादल नहीं है। और जलम च पिबंती घटो मेघ, वो जो जल पीता है लेकिन वो बादल नहीं है। अर्थात इस पहले का आपको उत्तर कमेंट करके बताना है कि पेड़ के ऊपर रहता है लेकिन गरुड़ नहीं है, तीन आँखें वाला है लेकिन वो शिव नहीं है, छाल का वस्त्र धारण करता है लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है, जल को धारण करता है लेकिन वो गड़ा या बादल नहीं है, तो फिर ये पहेली है क्या, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका तो अर्थ मैंने आपको बता दिया, इसका जो पहेली का जो अर्थ है वो आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, उसको वो जिसका जो अर्थ है वो आपको संस्कृत में ही लिखना है। ठीक है, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, जो इसका उत्तर होगा उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। फिर अभिवादन शिलेश्य नित्यम वर्धोप सेवन चत्वरी तस्य वर्धनते आयुर्विद्या यशोबलम, इसका आपको हिंदी अर्थ बताना है कि प्रस्तुत श्लोक में अभिवादन और बड़े लोगों की सेवा करने का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील और बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं उनकी आयु विद्या यश और बल में हमेशा वृद्धि होती है।
साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुष्पुच्छ विहीन पुच्छ पाषाण विहीन त्रम न खदम्पी जीवमान तद भागदेव परम पशुनाम। यानी कि इसमें कहा गया है कि साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। घास ना खाते हुए भी वह मनुष्य से वह जीवित है और वह पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात यदि मनुष्य घास भी खाने लगे तो पशुओं को भी जो खाने की घास है वो प्राप्त नहीं होगी। फिर इसके बाद में जो आपके प्रश्न आएगा, देखो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप जो संस्कृत में भी आप 80 मैसेज से नंबर लाते चाहते तो, और मेरी गारंटी है कि अगर आप मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा उनको ढंग से देख लेंगे पूरे अच्छे से, तो आपके संस्कृत में भी 80 मैसेज 80 नंबर कोई बड़ी बात नहीं, आराम से जो इसमें से प्राप्त होंगे। कंडक्टिव कनकम विलस्यमानी न कदापि श्रुता, इन दोनों में से कोई एक आपको हिंदी का मैं इसको सार बताना है। तो मैं आपको जो विलस्यवाणी है विलस्यवाणी न कदापि श्रुता इसका आपको हिंदी जो इसमें सार बता देता हूँ, और दोनों बताते हैं कंडक्टिव कनकम का भी बताता हूँ और ये विलस्यवाणी न कदापि इन दोनों का आपको यहाँ पर सार बता देता हूँ। देखो ये कनकम जो कंडक्टिव जो कनकम है इसका सार क्या है कि कथा के अनुसार एक बार है जो चंचल नाम का कोई शिकारी था और एक बार वो वन में उसके द्वारा बिछाए गए जाल में एक बाघ फंस गया था। बाघ के प्रार्थना करने पर भी शिकारी उससे बाहर निकालता है। बाघ ने शिकारी से पानी लाने को कहा, लेकिन पानी पीने के बाद बाघ ने कहा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई लेकिन मैं भूखा हूँ तो मैं तुमको खाऊँगा। बाघ की कृतज्ञता को देखकर शिकारी नदी के पास जाता है और नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी ही होते हैं, वे मेरा जल पीते हैं और मुझे ही गंदा करते हैं। इसी बात का समर्थन करता हुआ वृक्ष भी कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं, मेरे फल भी खाते हैं किंतु मुझे काटते हैं। इसके बाद शिकारी अपनी व्यथा को वहीं पर जो एक लोमड़ी को सुनाता है और लोमड़ी अपनी चतुराई से उसे बाघ को वापस से जो उस जाल में फंसा देती है। अर्थात जो धूर्त कपटी लोगों के साथ है उसके साथ कपटपूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। ऐसा कैसा मेरे साथ में भी होता है। ये जो कहानी है सेम टू सेम इसका जो उदाहरण मैं आपको अपना देता हूँ कि जैसे मैं आपके यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ उनसे आपको फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन आप नीचे कमेंट करके बताते हैं कि हमसे इस आपकी जो वीडियो से एक भी प्रश्न नहीं मिलता है। तो वही बात है कि कपटी लोगों के साथ फिर कपटपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए, फिर मैं उनको सीधा जो ब्लॉक करता हूँ, ठीक है। उनको फिर वीडियो का जो एक भी अपना जो चैनल पर जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो फिर उनका फिर एक भी वीडियो अपलोड करने किया हुआ वीडियो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है वो आपकी केवल सुविधा के लिए दे रखे। आप विद्यार्थी क्या करते हैं इस पर कॉल करते हैं, आप चाहे कितनी भी कॉल कर लें इस पर आप जो कॉल का जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपना समय इस पर कॉल करने पर ना गवाएं। फिर इसके बाद में दूसरी आपकी जो है विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, ये आप जो खर नखर वाला शेर है उसकी कहानी है ये विलस्यवाणी न कदापि श्रुता। ये भी हम देख लेते हैं कि किसी वन में एक खर नखर नाम का शेर रहता था और एक बार वह इधर उधर घूमता रहा किंतु उसे भोजन के योग्य कोई जीव नहीं मिला। शाम के समय में उसने गुफा को देखा और सोचा कि अवश्य इस गुफा में रात में कोई जीव आता होगा, इसलिए मैं अपनी यहीं छुप कर जो अपना बैठ जाता हूँ। इसके बाद में क्या हुआ, इसी बीच गुफा का जो स्वामी था कौन था इसका नाम आपको पता है, नाम इसका नहीं बता रहा हूँ आपको, गुफा के स्वामी का नाम कमेंट करके बताना है, ठीक है। गुफा स्वामी कश्य अस्ति, ठीक है, गुफा का स्वामी कौन था ये आपको कमेंट करके बताना है, ये प्रश्न आपके आएगा। ये तो गुफा का स्वामी जो था वो एक गिद्ध था और उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो वह वहाँ आया और उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के तो पैर तो देखे, इनकी गुफा जो है इनकी गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैर तो देखे लेकिन बाहर निकलते हुए शेर के पैर उसने नहीं देखे। तो गिद्ध ने सोचा कि निश्चय ही इसमें जो शेर है, अब मैं क्या करूं? एक उसने उपाय सोच कर जो दूर से ही बोलने लगा, वो गुफा को आवाज़ देता है कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यह शर्त थी कि मैं जब बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे अंदर आने के लिए आवाज़ दोगी, बुलाओगी, यदि तुम मुझे बुलाती नहीं हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। तो गिद्ध की आवाज़ सुनकर शेर ने सोचा कि वास्तव में जो ये जो गुफा है ये गिद्ध को आवाज़ देती होगी, तो अवश्य ये जो वो जो गुफा को अपने स्वामी गुफा जो है अपने स्वामी को बुलाती होगी, किंतु मेरे भय के कारण ये कुछ बोल नहीं पा रही। वो जो शेर वो सोच रहा है कि अपने मेरे भय के कारण ये गुफा बोल नहीं पा रही, तो उसने जो मैं इसे बुला लेता हूँ और उसने जो गुफा के अंदर से वह मेरा आहार बनेगा, वो अंदर आ जाएगा और वो उसको मैं फिर खा लूँगा। तो ऐसे सोचकर जो शेर ने ज़ोर से गिद्ध का आह्वान किया, शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि सुनकर उस गुफा में जो गिद्ध का आह्वान किया तो जो शेर वो ज़ोर से दहाड़ा, उसने जो गिद्ध को आवाज़ दी तो उसकी आवाज़ जो बहुत बहुत बार बार टकराई और उससे जो बाकी के जो पशु थे वो भी भयभीत हो गए, डर गए और गिद्ध भी वहाँ से भाग गया। तो ये आपकी जो इसकी कहानी है आपको यहाँ से हिंदी में अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है, और ये दोनों कहानियाँ इनमें से आपकी एक तो 100% यहाँ पे छपेगी, आप चाहे इसको याद करें या फिर ना करें, 8 नंबर चाहिए तो फिर इसको आप अच्छे से याद कर लेना।
24वां क्वेश्चन, इसमें आपको पदानी स्वीकृत अस्माकम विद्यालय यानी कि अपने विद्यालय पर आपको जो इसमें निबंध लिखना है 8 वाक्य इसमें बनाने हैं, या फिर इसके अथवा में आएगी आपके प्रार्थना पत्र जिसको रिक्त स्थानों की पूर्ति के द्वारा इसको पूरा करना है। तो ये जो 8 वाक्य बनाएंगे इसकी तुलना में ये वाला जो प्रार्थना पत्र है इसको लिखना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें आपको फिक्स पता है कि कौन सा शब्द कहाँ पर आता है। तो पहले हम ये वाला जो प्रार्थना पत्र इसको पूरा करते हैं, फिर ये अस्माकम विद्यालय हमारे विद्यालय पर जो 10 वाक्य 8 वाक्य लिखने हैं वो भी पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं सेवायाम श्रीमंत। सेवायाम श्रीमंत यहाँ पे क्या आएगा आपके, आपको सभी पता है प्रधानाध्यापक आता है, यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला प्रधानाध्यापक। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम प्रधानाध्यापक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च, उच्च के बाद में क्या आता है राजकीय उच्च के बाद में आता है प्राथमिक, तो इसमें हम भर देंगे राजकीय उच्च प्राथमिक, तो यहाँ पर भर लेंगे प्राथमिक। प्राथमिक के बाद में आता है विद्यालय, तो प्राथमिक विद्यालय जयपुरम अस्ति, जयपुरम राजस्थानम। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत, निवेदन है कि यत यानि कि अहम, तो इसमें क्या है अब ये किसके बारे में, ये ज्वर पीड़ित के बारे में यानी कि ये खुद बीमार है यानी कि वो बुखार है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो ज्वर पीड़ित है यहाँ पर लिखेंगे हम ज्वर पीड़ित। ये तीसरे नंबर पर आएगा आपकी ये ज्वर पीड़ित, हम यहाँ पर क्या भरेंगे ज्वर पीड़ित, तो ये बुखार होने के कारण इसको यहाँ पर ज्वर पीड़ित लिखना है। फिर अस्मात अहम, तो अस्मात के बाद में क्या आएगा कारणात आएगा, तो इसके बाद में लिखेंगे अस्मात कारणात, अस्मात कारणात अहम विद्यालयम न शक्नोमी, तो न शक्नोमी से पहले क्या आएगा आगंतु, आगंतु लिखेंगे इसमें, इसके बाद में आ जाएगा विद्यालयम आगंतु न शक्नोमी, अतः दिन द्वेश्य दो दिन का क्या चाहिए अवकाश चाहिए, उसमें भरेंगे अवकाशम, यहाँ भरेंगे अवकाशम। स्वीकृति माम अनुग्रहिष्यन्ति या अनुग्रहणन्तु, तो इसके बाद में भरेंगे अनुग्रहणन्तु, अनुग्रहणन्तु, ठीक है ये वाली जो अनुग्रहणन्तु आपको यहाँ पे भर देनी, और सधन्यवाद आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो या फिर नहीं लिखा हो तो आपको यहाँ पे लिख लेना है इसमें से दे रखा हो तो। फिर यहाँ पे शिष्य में आपको क्या लिखेंगे बवदीय, यहाँ पे क्या भरा जाता है बवदीय, तो बवदीय शिष्य आपका आज्ञाकारी, तो बवदीय शिष्य। और फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे, जो नाम दे रखा होगा उसका नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे, और ये आपकी जो पूरी जो 8 शब्द इसमें भरने और 8 नंबर आपके पूरे पूरे आराम से सही हो जाएंगे। तो आपको कौन कौन सी, एक तो आपके TC की, ठीक है स्थानांतरण प्रमाण पत्र की, एक आपके ज्वर पीड़ित वाले, एक आपके आवश्यक कार्य वाले, तीनों ही जो आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी, और तीनों में से एक आपके 100% छप जाएगी। फिर इसके ऊपर आपके ये अपने विद्यालय के ऊपर आपको 10 वाक्य लिखने हैं, तो विद्यालय के ऊपर आपको 10 वाक्य में ये लिख सकते हैं कि अस्माकम विद्यालय जयपुर नगरात अस्ति, मेरा जो विद्यालय वो जयपुर नगर में है। दूसरे नंबर में हम लिखेंगे कि अपना विद्यालय कैसे है, तो आई एम उच्च प्राथमिक विद्यालय में अस्ति, ये जो विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। अस्य विद्यालय से समीपम उद्यानम अस्ति, इस विद्यालय के समीप एक उद्यान है। फिर इसके बाद में लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय है, तो अस्मिन विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति। और अपनी कक्षा में कितने विद्यार्थी, तो मम कक्षा है 25 छात्र छात्रा सन्ति। कितने अध्यापक हैं, तो अस्माकम विद्यालय 15 अध्यापक सन्ति। इसके बाद में लिखेंगे कि कौन कौन से विषय में पढ़ाए जाते हैं, तो अध्यापक आसमान विविध विषयान पाठ्यंति, अलग अलग विद्यालय विषय जो अलग अलग अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है। अयम आदर्श विद्यालय अस्ति, हमारा जो विद्यालय वो आदर्श विद्यालय है। इस प्रकार से आपका जो 24वां क्वेश्चन वो पूरा हो जाएगा। ये तो ये निबंध लिखना है या तो, या फिर आपको ये अपनी जो प्रार्थना पत्र उसको पूरा करना है। फिर आपके 25वां जो प्रश्न आएगा वो 8 नंबर का आएगा, और उसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न ये आएगा, एक तो आपके गद्यांश पूछेंगे और 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से ढूंढ के लिखने हैं, तो आपको लाइन टू लाइन मिला के लिख लेना है। पहला प्रश्न इसको देखना है कि पूर्व दिशा उदयती सूर्य, पश्चिम दिशा या अस्त। देखो उदय का क्या हो जाएगा अस्त हो जाएगा, उदय का क्या हो जाएगा अस्त हो जाएगा। गच्छति इति दृश्यते ही लोके, परम न अनेन अवबोधम अस्ति ईसो गतिशील अस्ति, सूर्यांचल पृथ्वी चला स्वकीय अक्ष गुणंति संप्रति सुस्थापित सिद्धांत सिद्धांतोस्मी परम्य येन प्रवृत्ता आसीन महान गणितज्ञ ज्योतिविद आर्यभट्ट। तो ये जो पृथ्वी के जो चारों ओर पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसके बारे में जो सिद्धांत दिया था आर्यभट्ट ने, उसके बारे में ये पूरा बता रखा है कि सूर्य जो पूरी दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, तो इसमें हम इसका जो शीर्षक है वो क्या लिखेंगे, वो आर्यभट्ट के बारे में बताएंगे, आपके आर्यभट्ट वाले पाठ से लिया गया है, जिसमें इसका जो शीर्षक लिखेंगे वो आर्यभट्ट को लिख लेंगे, जिसमें नाम क्या लिखेंगे हम आर्यभट्ट लिखेंगे, आर्यभट्ट के बाद में ये आर्यभट्ट लिखेंगे क्योंकि व्यक्ति का नाम है। पूर्व दिशा उदयती सूर्य, कश्याम दिशायां च गच्छति, पूर्व दिशा में तो उदय होता है और फिर किस दिशा में जाता है, तो ये आपके पश्चिम दिशा लिखेंगे, तो इसका उत्तर आपको ये लाइन टू लाइन उठा के यहाँ से छाप देना है इसके अंदर।
ठीक है, तो ये आपको लिख लेना, ये पूर्व दिशा उदेति सूर्य, कश्याम की जगह पर क्या लिखेंगे, पश्चिम दिशाया दिशायाम अस्त च गच्छति। सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत का, तो सिद्धांत ये क्या है, तो सूर्यांचल जो होते हैं सूर्योदय से पृथ्वी जो चला स्वकीय अक्ष से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, और ये ही है जो संप्रत्य जो सुस्थापित सिद्धांत है। नेक्स्ट है आपके सिद्धांतों एम प्राप्यम कयन प्रवृत्तिता, ये सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, तो ये सबसे पहले किसने दिया था, इस सिद्धांत को देने वाले थे उसका नाम है आर्यभट्ट। इसमें ये वाली लाइन पूरी उठा के यहाँ से इसमें लिख लेनी और आपके दो में से दो नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो आर्यभट्ट है इनकी किताब का नाम आपको बताना है, आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी थी, कौन सा ग्रंथ लिखा था जिसमें इन्होंने जो सारा वर्णन कर रखा है, आपकी किताब में भी इसका नाम है जो दे रखा है, तो आर्यभट्ट की जो किताब है उनका नाम आपको कमेंट करके बता देनी। तो ये था आपके पूरा जो पेपर, और उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आपको पूरा फायदा मिलेगा। इससे पहले जो 2024 का मैंने मॉडल पेपर अपलोड कर रखा है उसको आप ज़रूर देख लेना, उसमें से और इस वाले पेपर से दोनों में से आपके जो क्वेश्चन है जो आराम से जो इस वाला जो स्कोर को आप प्राप्त कर लेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, साथ ही आपका जो स्कोर है वो हिंदी का जो स्कोर है वो कितना हो रहा है और कैसा हुआ आपका हिंदी का पेपर, ज़रूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, साथ ही अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।